सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं आईसी इंजन, है ना, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन सब्जेक्ट है। तो उसमें हम लोग हीट बैलेंस शीट के प्रॉब्लम्स देख रहे थे। हीट बैलेंस शीट के अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम देखे, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है ये, देखो। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के रिसेंट पेपर का प्रॉब्लम है, मतलब 2019 का प्रॉब्लम है, मई 2019 का प्रॉब्लम है, 12 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना, एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ मैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग और उसके साथ साथ गिवन डाटा भी लिख देंगे इधर, है ना। और स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप लोग भी मेरे साथ में स्टेटमेंट पढ़ लो, है ना। तो देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए टेस्ट ऑन ए सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल इंजिन, है ना। एक सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल इंजिन है ना? जिसमें क्या बोल रहा है, हैविंग अ बोर ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर, है ना। बोर 15 सेंटीमीटर है और स्ट्रोक लेंथ कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख देते हैं, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में सबसे पहले क्या बोला है, 4-स्ट्रोक ऑयल इंजिन है ना। अब 4-स्ट्रोक ऑयल इंजिन है तो देखो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बाय 2 हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ 4-स्ट्रोक इंजिन, है ना। अब उसके बाद देखो हम लोग को बोर डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ बोर पिस्टन का डायमीटर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो लगे हाँ, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर, है ना। उसी तरह से लेंथ ऑफ स्ट्रोक दिया है, एल दिया हम लोग को, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ स्ट्रोक दिया है, कितना दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसको भी 30 डिवाइडेड बाय 100 कर लो तो कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर, ओके। अब इसके बाद देखो और क्या दिया हम लोग को, स्पीड दिया है 300 आरपीएम, कैपिटल एन दिया है, कैपिटल एन दिया है हम लोग को 300 आरपीएम। देन देखो और क्या बोल रहा है, ब्रेक टॉर्क इज 200 न्यूटन मीटर, ब्रेक टॉर्क दिया है ना, देखो ब्रेक टॉर्क दिया कितना दिया है, 200 न्यूटन मीटर दिया है ना। हम लोग को इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 200 × 10⁻³ किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या फिर 0.2 किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। 200 को डिवाइड बाय 1000 करो, 10⁻³ करो, 0.2 हो जाएगा, ओके। अब देखो और क्या दिया है हम लोग को, मीन इंडिकेटेड प्रेशर दिया है, क्या बोला है, फ्यूल कंजम्पशन, सॉरी इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, मतलब PMI दिया है हम लोग को। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दिया है, ये दिया है 7 bar, है ना। अब ये 7 bar दिया है, अब इसको हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते, एक तो इसको किलो पास्कल में रखो या फिर पास्कल यानी न्यूटन पर, सॉरी एक तो इसको किलो पास्कल में कर दो या फिर पास्कल में कर दो, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग इसको पास्कल में कन्वर्ट करते हैं, देखो 7 × 10⁻⁵ कर दो तो ये पास्कल में आ जाएगा, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब देखो और क्या दिया है, फ्यूल कंजम्पशन दिया है, मतलब मास ऑफ फ्यूल दिया है। देखो मास ऑफ फ्यूल कितना दिया है, मास ऑफ फ्यूल दिया है 2.4 केजी पर आवर दिया है, देखो केजी पर आवर में दिया है, इसको पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 2.4 डिवाइड बाय 60 कर दो, और पर मिनट में करना है, सेकंड में करना है, किलोवाट में आंसर चाहिए तो सेकंड में करना पड़ेगा, तब 60 × 60 से डिवाइड करना है, ओके, या फिर 3600। अब नेक्स्ट देखो और क्या दिया है हम लोग को, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है ना, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर दैट इज TG का वैल्यू दिया है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर कितना दिया है, 415 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो बैरोमीटर प्रेशर इज 1 bar है ना, बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया है PV है ना, अभी ये दूसरा वाला प्रेशर है, देखो इसका भी काम है, आगे काम आएगा ये भी ना, बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया है 1 bar। यहां पे प्रोसीजर थोड़ा अलग होने वाला, ध्यान रखना। देखो उसके बाद देखो और क्या बोल रहा है, रूम टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है 20 °C, TA एम्बिएंट एयर टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर दिया है 20 °C। देन एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर हो, बैरोमीटर प्रेशर हो गया, ओके, रूम टेम्परेचर 20 दिया। द फ्यूल हैज अ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 42 MJ/kg, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, देखो CV दिया है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कितना दिया है, 42 MJ/kg दिया है ना, तो मेगा जूल को किलो जूल में कर दो, क्या हो जाएगा, 42 30 बढ़ा दो आगे, या फिर × 10⁻³ कर सकते हैं हम लोग, 30 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी में आ गया। अब देखो और आगे क्या दिया हम लोग को, कंटेन्स 15% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये देखो क्या बोल रहा है, कंटेन
15% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन है ना, 15% हाइड्रोजन का वेट के बराबर इसमें फ्यूल में है, स्टीम है। देखो अभी देखो उसका क्या है, वो आगे समझ में आएगा, उसका क्या करना होता है, क्या चेंज आएगा प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स की वजह से, ये हमको आगे समझ में आएगा। ओके, प्रॉब्लम में बने रहना। तो देखो टेक लैटेंट हीट ऑफ एपरेशन, देखो अब लैटेंट हीट भी दिया है, लैटेंट हीट भी दिया है, लैटेंट हीट देखो ये भी काम में आने वाली है। लैटेंट हीट दिया है, कितना दिया है लैटेंट हीट दिया है, 2250 किलो जूल पर केजी। और देखो और क्या दिया है हम लोग को, लैटेंट हीट दिया है, डिटरमाइन द इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी एंड वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। देखो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी अपने को एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी के मोर देन वन फॉर्मूले है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे जो फॉर्मूला रहेगा वो हम लोग को यूज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या निकालने के लिए बोला है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी NIT इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी निकालना है, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकालना है। ओके, और क्या बोला है देखो, ऑल्सो ड्रॉ द हीट बैलेंस शीट, हम लोग को हीट बैलेंस शीट भी निकालना है, हीट बैलेंस शीट भी हम लोग को निकालना है, ड्रॉ करना है। और देखो और गिवन डाटा में क्या दिया है, हीट बैलेंस शीट ऑफ किलो जूल पर मिनट बेसिस ना, किस पे निकालना है, किलो जूल पर मिनट बेसिस पे हीट बैलेंस शीट निकालना है। अभी देखो टेक सीपी फॉर ड्राई एग्जॉस्ट गैस, देखो ड्राई एग्जॉस्ट गैस के लिए सीपी का वैल्यू दिया है, सीपी फॉर ड्राई एग्जॉस्ट गैस कितना दिया है, सीपी फॉर ड्राई एग्जॉस्ट गैस इज 1 kJ पर kg डिग्री केल्विन। ओके, और देखो और क्या दिया है, सुपर हीटेड सीपी है ना, सीपी फॉर सुपर हीटेड स्टीम के लिए कितना दिया है, 2.1 kJ पर केजी डिग्री केल्विन। और आर का वैल्यू दिया है, कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना है, 0.287, ये तो वैल्यू आप लोग को पता ही रहेगा, सीपी माइनस सीवी होता है, किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन, है ना। आप देखो इतना सारा गिवन डाटा दिया है, और अलग अलग टाइप का गिवन डाटा यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है दो तीन चीजें निकालना है हम लोग को, इंडिकेटर थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फिर हीट बैलेंस शीट। ओके, तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे, है ना। देखो यहां से सॉल्यूशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, है ना। देखो आईपी सब में पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को आईपी निकालना पड़ेगा, इंडिकेटेड पावर निकालना पड़ेगा, है ना। इंडिकेटेड पावर के लिए क्या फॉर्मूला है, पी एम आई एल ए एन डिवाइडेड बाय 60, है ना, इंटू 1000 कर दो अगर हम लोग को किलोवाट में आंसर चाहिए तो, हाँ हम लोग को किलोवाट में आंसर चाहिए। ओके, सो अब देखो बाकी के सारे वैल्यू यहां पे पुट कर देना है। पी एम आई मतलब मीन इंडिकेटेड इफेक्टिव प्रेशर कितना दिया, 7 bar दिया, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना है हम लोग को, है ना। तो क्या करेंगे, 7 × 10⁵ L, L is the length of stroke, मीटर में चाहिए length of stroke, कितना है, 0.3 मीटर है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 0.3 से into A, A मतलब एरिया ऑफ बोर्ड, बोर डायमीटर या सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का डायमीटर हम लोग को बोर डायमीटर पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, पाई बाय 4 d², है ना, पाई बाय 4 d², यहां पे d कितना है, 0.15 मीटर में रखेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कर दो। अब n, स्मॉल n इज इक्वल टू क्या रहता है, 4-stroke सिलेंडर इंजन है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल n बाय 2, और कैपिटल n की वैल्यू कितनी है, कैपिटल n है हमारा आरपीएम 300 है, दैट इज 300 बाय 2, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारी इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 60 × 1000, तो यहां पे हम लोग को इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा। देखो इंडिकेटेड पावर कितना मिल गया, 9.27 kW, ये मिल गया इंडिकेटेड पावर 9.27 kW। ओके, अब इंडिकेटेड पावर मिलने के बाद क्या, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी निकालना है, तो देखो अब इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आईपी, दैट इज इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू सीवी, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। अब देखो यहां पे जो इंडिकेटेड पावर है ये किलोवाट में है,
तो ये अगर किलोवाट में है तो ये जो मास ऑफ फ्यूल है ये भी हम लोग कैसे चाहिए, हम लोग को पर सेकंड में चाहिए, केजी पर सेकंड में चाहिए। तो मास ऑफ फ्यूल जो हम लोग को दिया है वो किस में दिया है, केजी पर आवर में दिया है ना। देखो 2.4 केजी पर आवर में दिया है, तो इसको 2.4 केजी पर सेकंड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 60 into 60 या फिर डायरेक्टली 3600 से डिवाइड कर दो एक ही बार में, है ना, ऐसे भी चलेगा। अब इनटू सीवी, कैलोरीफिक वैल्यू कितना है हमारा, कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग को दिया था वैल्यू मेगा जूल में वैल्यू दिया था 42, हम लोग को किलो जूल में चाहिए, तो 42,030 आगे बढ़ा दो, है ना। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी हम लोग को मिल जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज में हम लोग को इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी मिल जाएगी, दैट इज 33.10%। ये आ गया पहला आंसर हमारा, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी हम लोग को मिल गई है ना, दैट इज 33.10%, है ना। अब इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी मिल गई हम लोग को, है ना, तो अब क्या करना है, अब हम लोग को जाना है दूसरे पॉइंट की तरफ, है ना, अब वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकालना है ना, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकालना है अब हम लोग को। देखो तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला है, एंड वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। ये है हमारा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज में मिल जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे सब में पहले फर्स्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ एयर निकाल लेंगे। देखो अब मास ऑफ एयर निकालने के लिए हम लोग को पता है मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, एयर बाय फ्यूल का रेशियो होता है ना। तो एयर बाय फ्यूल का रेशियो जो है वो हम लोग को 22 दिया है ना, तो इससे हम लोग बोल सकते कि मास ऑफ एयर इज इक्वल टू ये मास ऑफ फ्यूल इधर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 22, दैट इज एयर फ्यूल रेशियो इनटू मास ऑफ फ्यूल, ये हम लोग कर सकते हैं ना। अब देखो मास ऑफ फ्यूल हम लोग को दिया है 2.4 केजी पर आवर में, है ना, लेकिन हम लोग को ये जो भी निकालना है वैल्यू कैसे निकालना है, केजी पर मिनट में चाहिए ना, तो केजी पर मिनट में चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 2.4 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा मास ऑफ एयर, है ना, इन केजी पर मिनट। तो देखो 0.88 केजी पर मिनट, ये मिल गया हम लोग को मास ऑफ एयर मिल गया। देखो मास ऑफ एयर मिल गया, अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन की यूज करेंगे, आर का वैल्यू दिया है हम लोग को, है ना, तो देखो आर का वैल्यू दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एम आर पी, है ना। अब ये वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले यहाँ पे, अभी एम इज इक्वल टू क्या है मास ऑफ एयर, आर हम लोग को यहाँ पे दिया है, और टी क्या है, टी इज अ रूम टेम्परेचर डिग्री लेकिन केल्विन में, रूम टेम्परेचर कितना दिया, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया ना, इसको हम लोग को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे वी मतलब क्या, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड, है ना, और पी मतलब क्या, पी इज अ बैरोमेट्रिक प्रेशर जो हम लोग को दिया है 1 bar दिया हुआ है ना। तो ये सारे वैल्यूज का हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाएगा। अब देखो P सब में पहले V वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ एयर इंटू टी एम आर इंटू टी डिवाइड बाय ये P इधर आ जाएगा डिवाइड बाय P हो जाएगा। ओके अब देखो मास ऑफ एयर अभी हम लोगों ने निकाले कितना आया था 0.88 इंटू, अब देखो अब R कितना आया था, R आ गया था हमारा, इधर नीचे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, मास ऑफ एयर मिल गया हम लोग को 0.88 इंटू आर आ गया हमारा 0.287 इंटू टेम्परेचर कौन सा, रूम टेम्परेचर, लेकिन हम लोगों को इसमें चाहिए डिग्री केल्विन में चाहिए ना, तो हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री केल्विन में करना है तो क्या करना पड़ता है +273, है ना, +273 इसमें ऐड कर दो तो ये डिग्री केल्विन में हो जाएगा डिवाइड बाय प्रेशर। देखो बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना है हमारे पास 1 bar है ना, 1 bar दिया है यहीं पे, किधर लिखा था मैंने 1 bar है, देखो यहाँ पे है ना, तो ये दिया है 1 bar, तो ये 1 bar को हम लोग को क्या करना पड़ेगा किलो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 10^2 कर देंगे, 10^5 करेंगे तो पास्कल में आ जाएगा, है ना, लेकिन पास्कल में चाहिए क्या, किलो पास्कल में चाहिए, क्योंकि सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे किलो जूल पर केजी, किलो जूल तो किलो में है सब वैल्यू, है ना, तो यहाँ पे भी इसको किलो पास्कल में रखना है हम लोग को, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड कितना मिल गया 0.74, देखो 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट मिल गया, है ना,
वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड मिल गया हम लोग को 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड ये मिल गया हम लोग को, अब क्या चाहिए स्वेप्ट वॉल्यूम चाहिए। देखो अब स्वेप्ट वॉल्यूम किसका, पिस्टन का स्वेप्ट वॉल्यूम चाहिए। तो देखो अब स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, स्वेप्ट वॉल्यूम जनरली वी एस से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ सिलेंडर, है ना, नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर का इंजन है अपना, तो वन सिलेंडर का है ना, कभी फोर सिलेंडर इंजन रहा तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है सबसे पहले ना, तो टोटल, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए ना, तो उसको नंबर ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई करो तो पूरे सिलेंडर का एक साथ आ जाए। ओके तो नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया, इंटू लेंथ दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रोक, इंटू नंबर ऑफ साइकल्स पर मिनट, है ना। तो क्या होता है नंबर ऑफ साइकल्स पर मिनट, मतलब ही स्मॉल एन की वैल्यू, ये जो स्मॉल है ना, स्मॉल एन आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ साइकल्स पर मिनट दैट इज स्मॉल एन, है ना। अब नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं हमारे, तो सिंगल सिलेंडर है वन आ जाएगा, इंटू पाई बाय फोर, है ना। डी इज अ डायमीटर ऑफ बोर डायमीटर, कितना दिया है 0.15 मीटर में रख दो, 0.15 का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना है 0.3 मीटर, इंटू एन, एन मतलब क्या है कैपिटल एन बाय टू, मतलब 300 बाय टू, कितना आ जाएगा 150, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पे 150। ओके अब इसको कैलकुलेट कर लो तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना, कितना आ गया स्वेप्ट वॉल्यूम, देखते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम की वैल्यू, तो स्वेप्ट वॉल्यूम मिल गया हम लोग को 0.7952, है ना, कितना मिल गया 0.7952, है ना, ये भी किससे आ गया मीटर क्यूब पर मिनट, है ना, तो ये भी मिल जाएगा हम लोग को मीटर क्यूब पर मिनट में मिल गया। अब देखो स्वेप्ट वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड मिल गया, है ना, अब क्या करना है, अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहां से हम लोग को मिल जाएगी, है ना। देखो तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू ये वैल्यूज पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड कितना आया था 0.74 आया था, और स्वेप्ट वॉल्यूम कितना आ गया 0.7952, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में मिल जाएगा हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और देखते कितना आ गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिल गया हम लोग को 93.05%, 93.05% ये मिल गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो चलो यहां पे हम लोग को दो चीजें मिल गई, अब क्या करना है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हीट बैलेंस शीट के वैल्यूज हम लोग को निकालना है ना। तो अब हीट बैलेंस शीट में सब में पहला वैल्यू कौन सा निकालते हैं हम लोग, है ना, टोटल हीट सप्लाइड क्यूएस, है ना। तो क्यूएस इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल इनटू सीवी दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। तो चलो हीट बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं, अब हीट बैलेंस शीट में सब में फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम लोग क्यूएस दैट इज टोटल हीट सप्लाइड, है ना। क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, देखो मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल कितना है, मास ऑफ फ्यूल हमको दिया है 2.4 केजी पर आवर। देखो जो भी हम लोग को कैलकुलेशन यहां पे करना है वो किस में करना है, केजी पर मिनट में करना है, और मिनट बेसिस निकालना है हम लोग, है ना। तो मास ऑफ फ्यूल भी हम लोग किस में चाहिए, मिनट में चाहिए, तो देखो 2.4 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, है ना, तो ये मिनट में आ गया, इंटू कैलोरीफिक वैल्यू हमारी किलो जूल में चाहिए हम लोग को, किलो जूल पर केजी, तो 42,000 हो गया। तो यहां से आपको मिल जाएगा टोटल हीट सप्लाइड मिल जाएगा आपको क्यूएस, क्यूएस का वैल्यू कितना आ गया, देखो क्यूएस मिल गया हम लोग को 1680 किलो जूल पर मिनट, है ना। तो कितना मिल गया 1680 किलो जूल पर मिनट, है ना। और ये क्या होता है, ये 100% होता है, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो हम लोग टोटल हीट सप्लाइड ये है, तो टोटल हीट कितना है 100% है, ये 100%। ओके अब इसके बाद क्या निकालेंगे, अब हीट यूटिलाइज बाय द इंजिन, है ना, जो भी फ्यूल का हीट है वो इंजिन ने कितना यूटिलाइज किया दैट इज ब्रेक पावर, है ना। तो अब ब्रेक पावर निकालना है हम लोग को, तो बीपी ब्रेक पावर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा, बेसिक सा फॉर्मूला 2πNT, जो हम लोगों ने टॉर्जन में यूज किया था फॉर्मूला ना, 2πNT/60। अब देखो यहां पे टी जो है टॉर्क हम लोग को ब्रेकिंग टॉर्क दिया है ऑलरेडी 200 न्यूटन मीटर है ना। अब देखो अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम लोग 2πN मतलब आरपीएम 300 है ना कैपिटल N इनटू टी, ब्रेकिंग टॉर्क कितना दिया हम लोग को, देखो हम लोग को दिया है 200 न्यूटन मीटर, लेकिन हम लोग को किसमें चाहिए, हम लोग को किलो न्यूटन में चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग को जो पावर मिलने वाला है बीपी वो हम लोग को किलो वैट में चाहिए ना, सबसे पहले किलो वैट में मिल जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको वैट में कन्वर्ट कर लेंगे ना।
तो ये कितना आ जाएगा किलोवाट में, किलो न्यूटन में लिखना है तो कितना लिखेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 60। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पे हम लोग को ब्रेक पावर मिल जाएगा। अब ये सब में पहले जो ब्रेक पावर हम लोग को मिलेगा वो किलोवाट में मिल जाएगा। देखो कितना मिल गया, 6.283 किलोवाट है, ये मिल गया 6.283 किलोवाट है। अब ये फॉर्मूले से हम लोग को किलोवाट में पावर मिल गया, लेकिन हम लोग को हीट बैलेंस शीट के लिए किसमें चाहिए, हम लोग को किलो जूल पर मिनट में चाहिए, है ना, मिनट बेसिस में चाहिए ना। तो देखो किलो जूल पर मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किलो जूल पर मिनट में निकालने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, है ना। तो देखो अभी क्यू बीपी है ना, हीट यूटिलाइज बाय द इंजिन ब्रेक पावर, दैट इज कितना हो जाएगा 6.283 × 60। तो अब मिल जाएगा हम लोग को किलो जूल पर मिनट में, देखते हैं कितना आ गया, ये आ गया हमारा 377 है ना, कितना आ गया 377 किलो जूल पर मिनट, है ना 377 किलो जूल पर मिनट। अब इसी को हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, क्यूबीपी डिवाइड बाय टोटल से डिवाइड करना है इसको, है ना। तो परसेंटेज में निकालना है तो क्या निकालेंगे, 1680 टोटल हीट सप्लाइड है ना। तो देखो परसेंटेज में अगर इसको निकालना है तो क्या कर देंगे, क्यूबीपी डिवाइड बाय क्यूएस टोटल हीट सप्लाइड। तो क्यूबीपी कितना है, 377 डिवाइडेड बाय 1680 है ना, इंटू 100 कर देना है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगा इसका क्यूबीपी का, परसेंटेज में मिल गया हम लोग को वैल्यू 22.44% है ना, ये मिल गया हम लोग को बीपी, दैट इज ब्रेक पावर है ना, हीट यूटिलाइज बाय द इंजिन इन ब्रेक पावर कितना है 22.44%। अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं हीट लॉस टू द कूलिंग वाटर है ना। अब कूलिंग वाटर ने कितना हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, कितना लॉस हो गया इंजिन को कूल करने में हमारा, वो निकालते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं QCW, दैट इज कूलिंग वाटर है ना, हीट लॉस टू द कूलिंग वाटर। अब देखो हीट लॉस टू द कूलिंग वाटर का क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है MW मास ऑफ वाटर इंटू CPW इंटू DT, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर है ना, राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। अब देखो MW मास ऑफ कूलिंग वाटर, मास ऑफ कूलिंग वाटर कितना दिया है हम लोग को, देखो मास ऑफ कूलिंग वाटर दे दिया है हम लोग को, मास ऑफ कूलिंग वाटर दिया है 5 kg पर मिनट, डायरेक्टली kg पर मिनट में दे दिया है ना। और राइज इन टेम्परेचर दैट इज TC2 − TC1 की वैल्यू भी हम लोग को डायरेक्टली दिया है यहाँ पे, देखो प्रॉब्लम में डायरेक्टली गिवन है 35 °C है ना, राइज इन टेम्परेचर है ना, राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर दैट इज TC2 − TC1 या फिर ΔTB बोल सकते हो आप लोग है ना, वो डायरेक्टली 35 °C है ना। अब ये दो वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना है, देखो मास ऑफ कूलिंग वाटर 5 आ जाएगा, देखो CPW कूलिंग वाटर के लिए जो CP का वैल्यू होता है कांस्टेंट है, याद रखना है, कभी कभी प्रॉब्लम में मैक्सिमम दिया नहीं रहता है ना, यहाँ पे भी नहीं दिया, उसको क्या क्या यूज करना है, उसको 4.187 है ना, तो 4.187 ये वैल्यू यहाँ पे यूज करना है। और ET मतलब TC2 − TC1 डायरेक्टली वैल्यू दिया है कितना है 35 है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, देखते कितना आ गया आंसर, आंसर मिल गया हम लोग को 732.72 है ना, कितना मिल गया 732.72 किलो जूल पर मिनट है। अब इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे, तो परसेंटेज में किस तरह से निकाल लेंगे हम लोग, इस तरह से QCW डिवाइडेड बाय QS है ना, तो QCW है हमारा 732.72 डिवाइडेड बाय QS है हमारा 1680 × 100। तो यहाँ पे परसेंटेज में मिल जाएगा हम लोग को QCW दैट इज हीट लॉस टू द कूलिंग वाटर इन परसेंटेज हम लोग को मिल जाएगा 43.61% है ना, कितना मिल गया 43.61% है ना, इतना हीट लॉस हो गया हमारा कूलिंग वाटर को है ना। अब देखो हीट लॉस टू द कूलिंग वाटर निकाल दिया हम लोगों ने, अब क्या बचा, अब देखो हीट लॉस टू द एग्जॉस्ट गैसेस है ना, और उसके बाद अनअकाउंटेड हीट लॉस, ये दो चीजें हम लोग को निकालनी। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब वापस से हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते तो हम लोग को समझ में आया कि वहां पे हम लोग कुछ बताया था कि भाई 15% कुछ लॉस हो रहा था है ना हाइड्रोजन में, इन हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था फ्यूल से 15% है ना, और उसके बाद हम लोग को कुछ स्टीम का स्पेसिफिक हीट भी दिया था, सुपर हीटेड का भी स्पेसिफिक हीट दिया था, मां
ड्राई एग्जॉस्ट गैस का स्टीम दिया था, है ना, तो ये सब जो दिया था अब इसका काम यहाँ पे आने वाला है। देखो अब उसके वजह से क्या चेंज होने वाला है यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। अब देखो इसमें सब में फर्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, सब में फर्स्ट हम लोग को निकालना है मास ऑफ गैस, है ना, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे हम लोग को पता है मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इट इज इक्वल टू मास ऑफ गैस होता है। अब देखो मास ऑफ एयर तो हम लोगों ने निकाला है 0.88 कुछ आ गया था हमारा, ना अब मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल कितना है 2.4, कितना दिया है 2.4 केजी पर आवर दिया है, तो यहाँ पे इसको 2.4 डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये 2.4 केजी पर मिनट में आ जाएगा, है ना। तो अब यहां से हम लोग को मास ऑफ गैस का वैल्यू मिल जाएगा, मास ऑफ गैस का वैल्यू मिल गया हम लोग को 0.92, है ना, केजी पर मिनट, है ना, ये मिल गया मास ऑफ गैस का वैल्यू, है ना। अब हम लोग को निकालना है मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैसेस, है ना, जो भी हमारा एग्जॉस्ट गैस है ना वो यहाँ पे सिर्फ एग्जॉस्ट गैस है क्या, नहीं, एग्जॉस्ट गैस में कुछ स्टीम भी है ना, कुछ स्टीम है वो भी एग्जॉस्ट गैस के साथ जा रही है, तो वो स्टीम कितनी जा रही है, कितना उसका मास जो एग्जॉस्ट स्टीम का एग्जॉस्ट गैसेस में मिक्स है वो हम लोग को निकालना है। अब देखो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस, मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस, देखो मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना फॉर्मूला बस, ओके, क्या है फॉर्मूला, देखो 9 into क्या है मास ऑफ हाइड्रोजन, देखो ध्यान से देखो 9 into मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल, देखो 9 into मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल। अब मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल कैसे निकालेंगे, देखो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में दिया हुआ है ना, क्या बोल रहा है वो, स्टार्टिंग में बोला उसने कैलोरीफिक वैल्यू दिया, उसके बाद क्या बोला है कि 15% हाइड्रोजन है फ्यूल में, है ना, कितना परसेंट है 15%, मतलब जितना भी फ्यूल का मास है उसका 15% क्या है हाइड्रोजन का मास है। तो देखो मास ऑफ फ्यूल कैसे निकालेंगे आप, देखो 9 into मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल निकालने के लिए सब में पहले कितना परसेंट है, कितना परसेंट है हमारा जो मास है फ्यूल का उसके कितना परसेंट है 15%, है ना, तो 15% है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15% मतलब 15 / 100 कितना है 0.15 से मल्टीप्लाई करना है इनटू, अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फ्यूल मास निकालने के लिए मास ऑफ फ्यूल कितना है अपना, मास ऑफ फ्यूल है 2.4, है ना, ये क्या है केजी पर आवर है, लेकिन हम लोग को किस में चाहिए, हम लोग को चाहिए केजी पर मिनट में, तो डिवाइड बाय 60 कर दो, है ना, तो ये अब हम लोग को ये मिल जाएगा मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस मिल जाएगा, है ना, ये वाली वैल्यू किसकी है 0.15 इंटू 2.4 डिवाइड बाय 60, ये की वैल्यू किसकी है, ये है मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल हमारा, वो है जो 15% है वो वैल्यू निकालना है ना। अब ये सारा कैलकुलेट करने के बाद मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस हम लोग को मिल जाएगा 0.054 केजी पर मिनट, है ना, ये मिल गया हम लोग को मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस, है ना, मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैसेस, जो एग्जॉस्ट गैसेस हमारे जा रहे उसमें जो स्टीम का मास है वो हम लोग को मिल गया, क्योंकि देखो जो हमारा एग्जॉस्ट गैस है, जो एग्जैक्ट हमारा एग्जॉस्ट गैस है वो जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या हीट को यूटिलाइज करेगा वो अलग रहेगा, और जो उसमें जो स्टीम है, स्टीम जो हीट को यूटिलाइज करेगी वो अलग रहेगी, है ना, तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, जो एग्जॉस्ट गैस है हमारा, जो ड्राई एग्जॉस्ट गैस है विदाउट स्टीम वाला, जो ड्राई एग्जॉस्ट गैस है उसने कितनी हीट यूटिलाइज की वो अलग निकालना है, और जो हमारी स्टीम है एग्जॉस्ट गैस में, जो हमारी स्टीम है उस स्टीम ने कितना हीट यूटिलाइज किया वो अलग से निकालना है, समझ में आया, तो इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। अब देखो मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस मिल गया हम लोग को, अब देखो अब क्या करना है हम लोग, अब हम लोग को मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस निकालना है, देखो मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस, ये जो हम लोग को मिला मास ऑफ गैस, इस मास ऑफ गैस में स्टीम भी था, है ना, अब स्टीम का कितना मास था वो हम लोगों ने निकाल दिया, है ना, तो अब मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस कैसे मिलेगा हम लोग को, तो ये टोटल मास में से मास ऑफ स्टीम जो है उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस, है ना, मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस, है ना, तो देखो मास ऑफ गैस कितना है 0.92 है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को 0.92 दैट इज मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ स्टीम इन गैस,
स्टीम कितना है 0.054 है, 0.054 को इसमें से माइनस कर दो तो अब हम लोग को मिल जाएगा मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस, है ना। तो मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस कितना मिल गया, देखो मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस मिल गया हम लोग को 0.866, है ना। तो कितना मिल गया 0.866 किलो जूल पर मिनट, है ना, ये मिल गया मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस, है ना। अब मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस मिल गया, अब क्या करना है, देखो अब हम लोग को निकालना है हीट लॉस ड्यू टू ड्राई एग्जॉस्ट गैस, है ना, और हीट यूटिलाइज और हीट एब्जॉर्ब बाय द ड्राई एग्जॉस्ट गैस, है ना। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं हीट लॉस्ट ड्यू टू ड्राई एग्जॉस्ट गैस, ड्राई एग्जॉस्ट गैस, है ना। तो अब ये क्यू जी ड्राई कर देते हैं हम लोग, है ना, हीट लॉस ड्यू टू ड्राई एग्जॉस्ट गैस, है ना। इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, वही सिंपल सीपी डी टी, है ना, एमसीपी डी टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ गैस ड्राई इंटू सीपी ऑफ गैस, कौन सा वाला ड्राई सीपी ऑफ गैस, जो हम लोग को यहाँ पे दिया सीपी ऑफ ड्राई गैस दिया 1 kJ/kg, ना। तो सीपी ऑफ क्या लेना पड़ेगा, सीपी भी हम ड्राई का लेंगे, है ना। अब उसके बाद टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस, तो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर दैट इज टीजी माइनस टी ए करना है हम लोग को यहाँ पे, ना। तो टीजी माइनस टी ए करना, तो आप देखो यहाँ मास ऑफ गैस कितना आ गया हमारा ड्राई का 0.866 इंटू सीपी कितना है 1 है। उसके बाद देखो टीजी कितना है, टीजी है 415 डिग्री सेंटीग्रेड और टीए कितना है 20 है, तो 415 माइनस 20 कर दो, तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा हीट लॉस ड्यू टू ड्राई एग्जॉस्ट गैस कितना मिल गया, देखो हीट लॉस ड्यू टू ड्राई एग्जॉस्ट गैस मिल गया 337.74, कितना मिल गया 337.74 किलो जूल पर मिनट, है ना, कितना मिल गया किलो जूल पर मिनट। अब इसको क्या करना है, अब इसको परसेंटेज में भी निकाल लेते हैं, तो चलो परसेंटेज में भी इसको हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू एग्जॉस्ट ऑफ ड्राई डिवाइडेड बाय क्यू एस मतलब टोटल हीट सप्लाइड, है ना, इंटू 100 कर दो, है ना, तो परसेंटेज में आ जाएगा क्यू ड्राई कितना मिल गया हम लोग को 337.74 डिवाइडेड बाय 1680 इंटू 100, तो अब यहां पे मिल जाएगा हम लोग को Q एग्जॉस्ट गैस हीट लॉस ड्यू टू ड्राई एग्जॉस्ट गैस इन परसेंटेज मिल जाएगा हम लोग को, देखते कितना आ गया, हीट लॉस ड्यू टू ड्राई एग्जॉस्ट गैस मिल गया 20.10%, कितना मिल गया 20.10%, है ना, ये वाली वैल्यू मिल गई हम लोग को ड्राई एग्जॉस्ट गैस की, है ना। अब देखो अब क्या निकालना है हम लोग को, अब हम लोग को निकालना है हीट लॉस ड्यू टू स्टीम, है ना, जो भी स्टीम है एग्जॉस्ट गैस में जो भी स्टीम प्रेजेंट है उसके वजह से जो हीट लॉस हो रहा है वो हम लोग को निकाल, देखो अब यहां पे इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, एकदम ध्यान से देखना सब समझ में आएगा। अब हम लोग को निकालना है हीट लॉस ड्यू टू स्टीम इन गैस, है ना, जो भी स्टीम है गैस में एग्जॉस्ट गैस में उसके वजह से कितना हीट लॉस हो रहा है ना, वो हम लोग को निकालना। देखो अब इसका एक अलग सा फॉर्मूला है, इसके लिए इसको ध्यान से देखना, देखो यहां पे लिख देते हैं हम लोग पहले हीट लॉस्ट ड्यू टू स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस, अब देखो इसको नाम देते हैं हम लोग क्यू एस, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए सबसे पहले देखो मास ऑफ स्टीम, है ना, तो मास ऑफ स्टीम को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो यहां पे, क्या हो जाएगा 100 माइनस टी ए बोलो या फिर रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं हम लोग, है ना, प्लस क्या करना है यहां पे लैटेंट हीट को एड करना है, देखो मैं समझाता हूं फॉर्मूला कैसे आ रहा है, प्लस लैटेंट हीट, देन उसके बाद देखो इसके बाद क्या करना है आगे हम लोग को, लैटेंट हीट को ऐड किया प्लस अब देखो सीपी, सीपी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, है ना, सुपर हीटेड स्टीम का सीपी इनटू यहां पे क्या करना है हम लोग को टीजी मतलब टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस आउटर टेम्परेचर माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, तो ये हम लोग को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग को
यूज करना, ये वाला न्यू फॉर्मूला इसको याद रखो, पक्का याद रखो, है ना, क्योंकि इसी टाइप का प्रॉब्लम पूछने वाला है 19 में, दोनों भी एग्जाम्स में इसी टाइप का प्रॉब्लम पूछा है ना, पहले भी एक बार पूछा था, तो ये पक्का याद रखना है ना, ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आपको अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, अब देखो अब क्या करना है हम लोग को, बाकी सारे के सारे वैल्यू हम लोग को पता है, मास ऑफ स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस हम लोगों ने निकाला था 0.054 आया था, है ना, तो 0.054 पहले सब में पहले लिख देते हैं यहाँ पे 0.054, है ना। अब देखो यहाँ पे 100 में से माइनस क्यों, क्योंकि देखो जो भी ये टेम्परेचर है ना, जो भी स्टीम होता है, स्टीम कब बनता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही स्टीम बनेगा ना, वाटर का जब बॉइल होगा, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही स्टीम में वो कन्वर्ट होगा, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी क्या होता है उसमें उसका लैटेंट हीट होगा, है ना, तो कुछ लैटेंट हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके लिए वो लैटेंट हीट भी हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना। और देखो दोनों टेम्परेचर में से हम लोग 100 और 100 क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री के बाद ही क्या होगा टेम्परेचर, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, इसके लिए 100 दोनों जगह सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 100 माइनस टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर TA, है ना, प्लस लैटेंट हीट। अब देखो लैटेंट हीट प्रॉब्लम में दिया हुआ है हम लोग, है ना, लैटेंट हीट कितना दिया है, 2250 दिया है हम लोग को, देखो लैटेंट हीट दिया है 2250 प्लस सीपी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम का सीपी भी हम लोग को दिया है यहाँ पे, गिवन डाटा में लिखा था मैंने, देखो सीपी कितना दिया है 2.1 दिया है, तो देखो ये 2.1 इनटू देखो टीजी एग्जॉस्ट गैस कितना है 415 माइनस 100, है ना, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये सारा को मल्टीप्लाई करना है इससे, मास से। ओके, तो अब ये पूरा कैलकुलेशन पहले अंदर का पूरा कैलकुलेशन कर लो, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आपको मिल जाएगा हीट लॉस ड्यू टू स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस, है ना, स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस, हीट लॉस ड्यू टू स्टीम इन एग्जॉस्ट गैस मिल जाएगा, कितना मिल गया 160.97, है ना, कितना मिल गया 160.97 किलो जूल पर मिनट, है ना। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना, अब इसको भी परसेंटेज में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय क्यूएस हीट सप्लाइड, है ना, तो यहाँ पे क्यूएसजी करेंगे हम लोग, हीट सप्लाइड से कंफ्यूज ना हो जाए ना, टोटल हीट सप्लाइड, है ना, तो कितना आ गया 160.97 डिवाइडेड बाय 1680 इंटू 100, है ना, तो यहाँ पे 9.58% परसेंटेज में भी हम लोग को वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अब क्या निकालना है, अब हमारा एकदम लास्ट वाला पॉइंट है, क्या निकालना है, अनअकाउंटेड हीट लॉस, है ना, तो अनअकाउंटेड हीट लॉस के लिए कुछ चेंज नहीं, वही फॉर्मूला, बाकी सबको क्या करना है उसमें से सब्सट्रैक्ट करते जाना है, टोटल हीट सप्लाइड में से बाकी सबको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे क्यू अनअकाउंटेड इज इक्वल्स टू क्यू एस टोटल हीट सप्लाइड माइनस हीट यूटिलाइज बाय द इंजिन दैट इज ब्रेक पावर, उसके बाद माइनस क्या करेंगे क्यू सी डब्ल्यू दैट इज कूलिंग वाटर, उसके बाद देखो हीट लॉस टू द एग्जॉस्ट गैसेस ड्राई एग्जॉस्ट गैसेस, उसके बाद हीट लॉस टू द स्टीम इन गैस, ये सबको क्या करना है यहां पे सब्सट्रैक्ट करते जाना है। देखो तो सबके वैल्यू यहां पे हमारे पास है, सब में पहले टोटल हीट सप्लाइड कितना है 1680, है ना, इसमें ब्रेक पावर को माइनस कर देंगे हम लोग 377 माइनस, अब देखो उसके बाद कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर का हीट कितना है, कूलिंग वाटर का हीट लग गया 732.72 इतना एब्जॉर्ब किया कूलिंग वाटर ने, देन उसके बाद आता है हमारा ड्राई एग्जॉस्ट गैस, ड्राई एग्जॉस्ट गैस ने कितना अब्सॉर्ब किया है 337.74, देन स्टीम इन गैस ने कितना अब्सॉर्ब कर लिया 160.97, है ना, 160.97, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, है ना, तो ये सबको सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को क्यू अनअकाउंटेड हीट लॉस्ट मिल जाएगा हम लोग को, या फिर हीट लॉस्ट इन रेडिएशन भी बोल सकते हैं हम लोग, कितना मिल गया 71.57 किलो जूल पर मिनट, है ना। अब इसको भी हम लोग परसेंटेज पे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अनअकाउंटेड डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड इनटू 100 दैट इज 71.57 डिवाइडेड बाय 1680 इनटू 100, तो इसका भी परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा 4.26%। अब ये सारा वैल्यू, है ना,
ये सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल गए। देखो अभी सारे वैल्यू मिलने के बाद आपको एक टेबुलर फॉर्म में हिड बैलेंस शीट ड्रॉ करना है, जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से आपको टेबुलर फॉर्म में ये वैल्यू सारे बना देना है, टेबल बना के सारे वैल्यू इस तरह से जैसे दिख रहा है आपको उस तरह से पूरा ड्रॉ कर देना है। ओके तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का प्रॉब्लम पूछता है जनरली 2018 के बाद से प्रॉब्लम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के पूछा है। देखो आप लोग देखोगे तो 2017 के प्रॉब्लम इजी पूछता था, 18 में भी कुछ इजी प्रॉब्लम पूछा है, लेकिन 19 में दोनों प्रॉब्लम थोड़े टफ पूछा है ना। अभी 12 मार्क्स का प्रॉब्लम था है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो प्रॉब्लम आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।